धरपकड़ अभी की जा रही है, कई राज्यों तक तार जुड़ चुके हैं। लीक केस के नेटवर्क में लगातार किरदारों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल इन सब के बीच आकर वही ठहरता है कि छात्रों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। वो छात्र जो कि साल भर दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, अब उनका भविष्य संकट में है। इस उम्मीद में पढ़ते हैं कि जिस परीक्षा में वो बैठने जा रहे हैं उसमें उनकी मेहनत रंग लाएगी, वो परीक्षा पास कर लेंगे। लेकिन अब जब लीक का मामला सामने आया तो इन छात्रों के बारे में सोचने की बजाय इस पर सियासत की जा रही है। इस सियासत पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो इसी नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई मिल रही है। अब इसमें गिरफ्तार सिंटू को ईओयू आज पटना लेकर जाने वाली है। कल इसे झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में सिंटू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सिंटू ने बताया कि उसे रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उसके उत्तर मिले थे और इसी के बाद उसने इसे अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया था। आपको बताया न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले सिंटू और इसके साथी चिंटू की भूमिका के ऊपर पर्दाफाश किया था, क्योंकि सिंटू और चिंटू ने ही उत्तर के साथ प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के बीच बांटने का काम किया था। ये अतुल वत्स इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और ये संजीव मुखिया इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये गैंग चलाते हैं पूरा। इससे पहले भी कई लीक मामले में जो पेपर लीक हुए हैं उनमें ये रहे हैं शामिल और अब ये देश की सबसे बड़ी मेडिकल की परीक्षा उसमें बड़े पैमाने पर ये लीकेज किया गया, जिसके ये बड़े आरोपी है जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनके गिरेबान तक ईओयू पहुंच गया। नीट पेपर लीक मामले में एक आरोपी को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया जिसका नाम शिंटू बताया जा रहा है। शिंटू ने अपने कबूलनामे में रवि अत्री गैंग के नाम का खुलासा किया है। बता दें कि रवि अत्री वही मास्टरमाइंड है जो इस वक्त मेरठ की जेल में बंद है और वो ग्रेटर नोएडा के जेवर के इसी नीमका गाँव का रहने वाला है जहाँ पर हम मौजूद हैं। हमने अभी रवि अत्री के परिवार से बात की, हालांकि उन्होंने सारे आरोपों से खंडन कर दिया, लेकिन शिंटू ने अपनी पूछताछ में खुलासा किया है कि जो उसे सवाल पेपर मिला था वो रवि अत्री गैंग से ही मिला था। इसके अलावा इस पूरे मामले में संजीव मुखिया और अतुल वत्स नाम के दो ऐसे किरदार हैं जो बिहार पुलिस के रडार पे आए और जिनके सीधे ताल्लुक जो है वो रवि अत्री गैंग से बताए जा रहे थे। रवि अत्री इसके पहले भी यूपी सिपाही भर्ती घोटाला हो या इसके अलावा कुछ और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके पेपर को लीक करने में और सॉल्वर के मामले में उससे अलग अलग राज्यों की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पिछले वो करीबन 4 महीने से मेरठ की जेल में बंद है। तो रवि अत्री की तस्वीर भी आपने आपको दिखाई। देखिए बात साफ है, रवि अत्री तो जेल में बंद है, फिर भी ये कहा जा रहा है कि उसने पूरी प्लानिंग की थी। तो कहां कहां इसके तार जुड़े हो सकते हैं। जो भी नाम सामने आ रहा है वो हैरानी भरा सामने आ रहा है। प्रोफेसर का नाम भी अब सामने आ चुका है, डॉक्टर्स का नाम सामने आ चुका है। मतलब ऐसे ऐसे लोग इस गोरख धंधे में ये नीट का पेपर लीक कराने के मामले में शामिल है जिनके बारे में पहले तो सोच पाना मुश्किल था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो ये पूरा यहाँ पर लीक वाला मामला था इसमें कितने किरदार है और ये कहाँ जाकर रुकेगा मामला। इस मुद्दे पर खास चर्चा करते हैं और पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। धीरज सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, वकील हैं। इसी के साथ में डॉक्टर अरस्तु उपाध्याय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं। पूजा त्रिपाठी कांग्रेस रुख रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं और दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं, उनके साथ में कुछ छात्र मौजूद है। सबसे पहले दिवाकर मैं आपका रुख करूंगी, बात करिए उन छात्रों से। सबसे बड़ा दुख तो इन्हीं का है, साल भर इंतजार करते हैं ये बेचारे कि परीक्षा देंगे, लेकिन अब विश्वास कैसे जगाएं? नंबर नहीं आए तो पढ़े कैसे, क्योंकि अगले साल पेपर लीक हो गया फिर तो क्या करेंगे? देखिए छात्रों के मन में सीधा सीधा सवाल यही है कि आखिर उनके भविष्य क्या क्या होगा। वो मेहनत करके जो है परीक्षा देते हैं और इस तरह से पेपर लीक हो जाता है और जो फेल हुए छात्र होते हैं उनको ग्रेस मार्क दे के पास कर दिया जाता है। मैं सीधे छात्रों से बात करता हूँ, आप सीधा सीधा क्या चाहते हैं? अभी रीनीट चाहते ताकि जितने भी ग्रेस मार्किंग और चीटिंग करके घुसे उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। आप क्या चाहते हैं? सर रीनीट हमें भी चाहिए क्योंकि जितने लोग बीच में आ गए हैं सर वो डिजर्व नहीं करते हैं। हाँ। वो अपने आप साइड हो जाएंगे अगर रीनीट होगा तो। मतलब आप चाहते हैं कि रीनीट हो? जी सर। जो 1563 लोगों को मौका दिया गया है फिर से रीनीट करने के लिए, तो आप भी चाहते हैं कि आपको भी मौका मिले? हाँ सर, जो 1563 है बस उनके करने से रैंक तो कम होगा नहीं। हाँ। बहुत कम ही कम होगा, तो सब पूरा रीनीट होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। जो चीटिंग करके आए हैं वो हट जाएंगे उसमें और जो डिजर्व करते हैं मेडिकल कॉलेज वही जाएंगे।
कुछ और छात्रों से बात करता हूं मैं, यहां पीछे बैठे हुए हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं? जिस तरह से पेपर वगैरह लीक हुए हैं और अब जांच वगैरह भी चल रही है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं, आप अपने भविष्य को सोचते हुए क्या चाहते हैं? सर, हर साल देखा जाए तो पेपर लीक होता ही है, चाहे वो नीट का हो चाहे और अलग अलग तरह का। सर, भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है बच्चों के। सर, ये रीनीट जब होगा तो फिर रैंक का थोड़ा अच्छा होगा सर, और रीनीट तो है जरूरी सर, लेकिन सरकार को भी कुछ करना चाहिए क्योंकि भविष्य है सर हम लोग का। भविष्य, हम लोग मिडिल क्लास से हैं, हमको अगर अपर जाना है, अपर क्लास में जाना है, तो एक पढ़ाई जरिया है हमारा, तो इसमें अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा सर? जाहिर तौर पर सरकार का सपोर्ट भी चाहते हैं कि सरकार ऐसा सिस्टम बनाए कि इस तरह की चीजें ना हो। आप क्या चाहते हैं? सर, रीनीट इसीलिए चाहते हैं क्योंकि सिर्फ ग्रेस मार्क्स का इशू नहीं है सर। जैसे हमारी एक फ्रेंड है आंचल करके, उसका सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठा है, उसका डायरेक्ट दो मतलब पहले कुछ मार्क्स कुछ और दिखा रहा है, बाद में कुछ मार्क्स कुछ और दिखा रहा है, तो ये और ऊपर से चीटिंग भी हुई है। तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, मतलब सिर्फ ग्रेस मार्क्स का फैक्टर नहीं है, चीटिंग भी हुई है बहुत सारे स्टेट्स में, उसके साथ साथ मार्क्स भी उल्टे फुलटे कुछ भी हो रहे हैं, रैंक का इन्फ्लेशन हो रहा है। तो सिर्फ आप 1563 स्टूडेंट्स का, सिर्फ इतने लोगों का नीट करके आप दूसरे लोगों को जस्टिस नहीं दे सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लाखों बच्चे हैं सबका एक और हो और एक फेयर कंपटीशन मिले सबको। फेयर कंपटीशन, हाँ, यानी रीनीट हो। रीनीट हो सर, रीनीट होना ही चाहिए। आप क्या चाहते हैं? सर, रीनीट ही चाहते हैं क्योंकि जहाँ तक मामला है सर, रीनीट ही एक ऐसा वजह हो सकता है जहाँ पे हम बच्चों को इंसाफ मिल सके, और कुछ नहीं सर, रीनीट ही चाहते हैं। ज्यादातर बच्चे यही कह रहे हैं कि रीनीट चाहते हैं, आप बताइए। रीनीट होना चाहिए, लेकिन जो रीनीट नहीं होगा तो जो 1563 बच्चे उनको तो परसेंट रैंक में कुछ बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन रैंक इन्फ्लेमेशन आया 50,000 के आसपास बहुत सारे लोग का, तो उसमें प्रॉब्लम हो, तो रीनीट जरूरी है इसके लिए। जाहिर तौर पर यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था और इस तरह सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि रीनीट होने चाहिए क्योंकि इसी के बाद उन्हें सही ढंग से न्याय मिल पाएगा। दो और मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी से शिवम त्यागी को आप देख पा रहे हैं, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी है हमारे साथ। शिवम त्यागी, बच्चों की बात आपने भी सुनी होगी, बड़ी बात यह है कि नेट का एग्जाम तो 24 घंटे के भीतर भीतर कैंसिल कर दिया गया, फिर से होगा, नीट में क्या समस्या आ रही है शिवम? उसका पेपर फिर से नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन ये तय करने वाले ना आप है ना मैं हूँ, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी विषय है और हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बच्चों के लिए पूर्ण रूप से समाधान हो। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, इंटरवीन करने के बाद मुझे लगता है कुछ दिन और इसमें है, सरकार सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी दिक्कत ना हो, और कोर्ट जो भी कहेगा हम उसका पालन करने के लिए तैयार है। एनटीए के विषय में चाहे मामला हो, चाहे जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं जिनका कार्टल और कनेक्शन अलग अलग पार्टी से नजर आ रहा है, कौन कौन उनकी मदद कर रहा है, क्या कर रहा है, सरकार की पहली प्रायोरिटी ये है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर रहे और उसके बाद जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है सबको पकड़ पकड़ के सरकार जो है अंदर करे। शिवम, लेकिन एक बड़ा सवाल मैं